हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको अल्ट्राडॉन की गेमिंग चैनल पर। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अल्ट्राडॉन। तो फिलहाल देखते हैं आज का स्क्रीम्स सानहॉक मैप पर क्या होता है। तो प्लेन पाथ देखें, एकदम घटिया सा कैंप अल्फा के साइड से यहाँ पे मोंग नाई ऐसे क्या नाम है ना, पता नहीं क्या लिखा है। जो भी है, इनके जाके कैंप प्रभो के साइड जाके यहाँ पे प्लेन पथ ख़त्म होता है। तो यहाँ पे सेवेंट आप लोगों को दिखा दे, 75 बंदे खेल रहे हैं। एक बंदा उतरते ही पेल गया, वो कौन है? प्रिंस प्रिंस ओपी। अच्छा, फोर रिवेल्स के टीम के लौंडे। तो यहाँ पे टीम नंबर 18 के लौंडे को दिखाई दे रहे हैं। इसके सामने टीम नंबर 2 है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, प्रिंस ओपी उतरते ही पहला बंदा ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बंदा अंबर ओपी, अंबर गुप्ता यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाह, टीम नंबर 2 की हालत ख़राब। अंबर गुप्ता की गांड में पूरा हाथ डाल दिए हैं। फॉलन ने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टीम नंबर 18 के लौंडे आते हुए आगे से बर्ड यहाँ पे गांड मारने का कोशिश किया जाएगा, बट टीम नंबर 2 यहाँ पे क्या बचते हुए दिखाई देंगे। टीम नंबर 2 के लौंडे आ रहे, साइड में देख रहे हैं। कुछ तो देख, कहीं पे तो देख, माँ कसम भाई, ये तो खतरा। अरे अंबर गुप्ता फिर से डाउन। टीम नंबर 2 के लौंडे ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। टीम नंबर 2, अरे भाई कुछ तो देख ले, आराम से देख ले भाई, कुछ भी करते रहे तो भाई। टीम नंबर 18 के लौंडे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं गांड हिलाते हुए जाते हुए। बट टीम नंबर 8 के जो लौंडे हैं, न्यू के टीम, 4 किल कर चुके हैं। फोर रिवल्स के टीम को पहले ही गांड में लात मार के निकाल दिए हैं। राजवीर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नॉक डाउन हो चुके हैं। बट यहाँ पे देखो मैप की सिचुएशन, देखो अब लोग कितना ड्रॉप लोकेशन चूज करना कितना गलत करते हो। देखो एक्स मैक्स की टीम के साइड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 21 को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 21 की जो स्क्वाड है यहाँ पे सेनर्जी के टीम है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सेनर्जी के जो टीम है, देखते हैं कैसे खेलते हैं सेनर्जी के टीम। बोल्डर, रिफ्लेक्स, एमलॉक और उनके साथ सेनपति को दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 23 के साथ यहाँ पे इन लोग उतर चुके हैं। बूट कैम्प में टीम सेनर्जी वर्सेस टीम एक्स मैक्स के टीम को यहाँ पे दिखाई देंगे। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। बोल्डर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है आई थिंक, मुझे लगता है। बट यहाँ पे टीम नंबर 23 के स्क्वाड के साइड से यहाँ पे इनको स्पॉट किया जा चुका है। बट बोल्डर गलत कर सकते हैं। या टीम नंबर W19 के स्क्वाड के जो हैं यहाँ पे रैंगोर को दिखाई दे रहे हैं, नॉक डाउन किए हैं, उनके साइड भी चलेंगे। अंशु यहाँ पर डाउन है, अपेक्स यहाँ पर डाउन है। ओके, लेट्स गो, यहाँ पे जाएंगे ज़रूर। चलिए लेट्स गो, वहाँ पे चलते हैं। टीम नंबर 18 के स्क्वाड के जो लॉन्डे हैं यहाँ पे 5, और दूसरा कौन सा टीम को ख़त्म कर दिया भाई? पाइनन के साइड यहाँ पे फैसल हो चुका है। देखिए ज़रा सिचुएशन देखो, टीम नंबर W19, टीम नंबर 20, टीम नंबर 16। ओके लेट्स गो, बूम बूम बम करो। टीम नंबर 20 के जो स्क्वाड लॉन्डे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक लौंडा डाउन हो चुके हैं। पर टीम नंबर 16 के स्क्वाड के जो लॉन्डे हैं यहाँ पे देखिए, पाब्लो पाब्लो टीम नंबर 20 के जो स्क्वाड के लौंडे हैं वो पहले ही गांड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। टीम नंबर 16 के लौंडे, LH4 स्क्वाड की जो टीम है, महाराष्ट्र की टीम, दूसरे महाराष्ट्र की टीम को फिनिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल टीम नंबर जो है, टीम नंबर W19 के स्क्वाड दूसरे महाराष्ट्र के टीम यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 16 LH4 स्क्वाड की जो टीम है यहाँ पे देखिए, वो यहाँ पे थे और उनके सामने W19 के स्क्वाड को दिखाई दे रहे हैं। RIP सनी यहाँ पे डाउन है। तो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वाव, यहाँ पे लूसीफर फिनिश होते हुए दिखाई दिए हैं। माफिया मुन्ना भैया और XPOP को दिखाई दे रहे हैं सामने, और अस
अरोरास के टीम है। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 14 DXG1 के जो टीम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र का टीम को दिखाई दे रहे हैं, दूसरे महाराष्ट्र के टीम अरोरास के टीम को दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 22 को भी दिखाई दे रहे हैं। एक लौंडा, बाकी लौंडे कहाँ है तुम्हारा? अरे बाप रे, ले भाई क्या ही बताएं। टीम नंबर 13 के स्क्वाड के साथ यहाँ पे फाइट लिए थे। टीम नंबर 13 के जो स्क्वाड हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, गॉडेक्स ESP के जो टीम है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 3 किल कर चुके हैं। दूसरा एक लोंडर नॉक है, उनको रिवाइव करेंगे। बट कैंप ब्रावो के साइड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं माफिया। अरे माफिया फिनिश हो गया क्या? ओके नाइस, बहुत बढ़िया गेम प्ले दिखाई दिए हैं। इतना ड्रॉप लोकेशन चूज करने में इतना गलती कर रहे हो ना, इतना गलती कर रहे हो कि हम क्या ही बताएं। क्या ही बताएं अब लोगों को, बहुत खराब ड्रॉप लोकेशन चूज किए हो आप लोग। एकदम रोज स्क्रीम्स फॉलो नहीं करते हो, रोज जो स्क्रीम्स होते हैं ऐसे ऐसे तुम लोगों का दिमाग में यही बैठा रहता है कि जो है लेजेंड यहाँ पर डाउन किए हैं बोल्डर को, उनके साइड चलते हैं, ये फाइट देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं क्या होता है आप लोगों का। हम जो मैप खेले हैं, हमारा फाइट कवर किया है कि नहीं है वही देखने आ जाता है बस, अब कुछ नहीं। दूसरे टीम कैसे खेल रहे हैं, कैसे रोटेशन डाल रहे हैं, कौन सा ड्रॉप लोकेशन चूज कर रहे हैं, ये देखने का बिल्कुल इरादा नहीं है। इसीलिए तुम लोग मरते हो, इसीलिए गेम प्ले खराब होता है। कुछ टीम ऐसे होते हैं ना, पूरा पूरा टीम पूरा गेम प्ले देखते हैं, फास्ट से शुरुआत करते हैं, पूरा गेम देखते हैं। मैं पर्सन से व्यू नहीं रखता, कभी कभी रखता हूँ। यहाँ पे रोटेशन कैसे बदल कर रहे हैं वो दिखाने चाहता हूँ, तो करते ही देखते ही नहीं हो। बहुत हार्ड टीम नंबर जो है 23 के जो स्क्वाड के लॉन्डे हैं ओपी रिफ्लेक्स बोल्डर और उनकी टीममेट्स को जो है टीम नंबर 21 सेनर्जी की टीम के लॉन्डे को फिनिश करते हुए एक्स मैक्स की स्क्वाड को दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक्स मैक्स की जो स्क्वाड है वो यहाँ पे सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो फिलहाल दूसरे टीम के साइड जाएंगे, तो फर्स्ट जोन आया नहीं, यहाँ पे काफ़ी बमबाम हो चुका है। टीम नंबर 25 के जो स्कॉट के लॉन्डे हैं, ये वाह, ये कौन सा टीम का लॉन्डे है रे, स्कॉट ये चेंज किया रे, कौन सा टीम है तुम्हें वो दिखाएंगे तो ज़रा। किंग के टीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक दूसरे टीम को यहाँ पर डाउन किए हैं। कौन सा टीम है मुझे याद नहीं आ रहा, टीम एक्स है क्या, गुजरात के टीम? मुझे याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा कौन सा टीम है। बहुत हरामी हो गए तुम लोग। टीम नंबर 10 के लॉन्डे जीनी टोपी ब्लू ओरिजिन के टीम के लॉन्डे। ओके एक बंदा यहाँ पर डाउन, इनके बाकी सारे टीममेट्स कहाँ गए? अच्छा इनके बगल में ही है, ओके सही है, अदरवाइज यहाँ पे गांड मरा जाता तुम लोगों का। फेक्स के टीम को लॉन्डे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं रोटेट करते हुए कैंप अल्फा के साइड से। सानहो मैच पे इतना बोगस खेलते हैं कुछ टीम्स, इतना मतलब 90% टीम्स खेलते ही नहीं है ना, अच्छे अच्छे टीम्स के भी लड़े लग जाते हैं, मां कसम भाई खेलते ही नहीं है लोग। स्लॉट 9 के बंदे कहाँ गए? वो तो मर गए। क्रिमिनल को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं रोटेट करते हुए, और यहाँ पे टीम नंबर 25 के जो लॉन्डे हैं आई थिंक ये टीम एक्स है गुजरात के। वार्ड लगाएंगे सही टाइम पर रुका।
टीम नंबर 10 के जो लौंडे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सामने, वो कौन सा टीम मारा टपाटप से, टीम नंबर 10 के लौंडे। माँ कसम ये लोग अलग अलग सब ये बैठे हैं, एंगल पे बैठे हुए हैं, वो जहाँ से खिड़की में से जहाँ पे इनको मिल जा रहा है देखने में, हेड बॉडी जो भी दिख रहा है टपाटप दे रहे हैं। किंग यहाँ पे नॉक डाउन हो चुके हैं, स्नाइपर से डाउन हो चुके हैं, उनके बगल में टीम नंबर 10 के लौंडे। हाँ सही है, कोने में रिवाइव दे, खोपचे में रिवाइव दे, नहीं तो कहीं से भी पड़ सकता है भाई, भरोसा नहीं है भाई इन लोगों का। माफी जो है यहाँ पे फुल बूस्ट लगा लिए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या ही था, क्या ही सिचुएशन है, टीम नंबर 10 के लौंडे पूरा नज़र टाल के बैठे हैं। स्मोक बोल रहा हूँ, टीम नंबर 18 के स्क्वाड के लौंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नीचे जो टीम है उनके सामने फिक्स के टीम के लौंडे हैं, फिक्स के जो टीम है, एफसी के जो टीम्स हैं, वो केरला के टीम है, महाराष्ट्र के टीम के साथ यहाँ पे फाइट हुए हैं। हे यहाँ पे देख पा रहे थे, ओ एफसी के क्रिमिनल यहाँ पे दूसरे साइड थे, प्रथम यहाँ पे नॉक डाउन हो चुके हैं, क्या यहाँ पे प्रथम फिनिश हो जाएंगे देखना पड़ेगा। क्रिमिनल को सही टाइम से देखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक ग्रेनेड डालना जरूरी है। टीम नंबर 18 के स्क्वाड के नाम, वाह भाई टीम नंबर, ओ आर यू सीरियस, टीम नंबर से, अबे नहीं, अरे नहीं रे, अरे हो गया। टीम नंबर 7 की स्क्वाड के लौंडे, अरे माँ कसम भाई चारों तरफ से घिर के मारा इसको, चारों तरफ से घिर के मारा, माँ कसम भाई, एक लौंडा इस साइड, दूसरा लौंडा इस साइड, तीसरा लौंडा इस साइड, माँ कसम भाई तुम लोगों का क्या सोच समझ के खेल रहे थे रे ये। अगर आसपास और सारे टीम्स होता तो लवड़े लग जाते तुम लोगों का भी, माँ कसम बोल रहे हैं। माँ टीम नंबर 10 के लौंडे, ये लौंडा तो यहाँ पे किसी को कनेक्ट नहीं कर पाए है, बट यहाँ पे टप टप देर तो जरूर रहे थे, क्रेजी यहाँ पे डाउन है, कौन सा कहाँ पे है क्रेजी। नंबर 25 के लौंडे, ओके टीम नंबर 10 के लौंडे ये इनके ऊपर पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, माफी यहाँ पे डाउन है, देखते हैं क्या होता है। टीम नंबर 10 के जो लौंडे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 10 के लौंडे बहुत हार्ड, टीम नंबर 25 के जो लौंडे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सामने, टीम नंबर 10 के लौंडे सामने हैं, टीम नंबर 8 के लौंडे सामने हैं, टीम नंबर 8 डिसरेस्पेक्ट के टीम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पंजाब के टीम दिखाई दे रहे हैं सामने, टीम नंबर 10 है, टीम नंबर 10 के सामने टीम नंबर 25 है, टीम नंबर 25 आई थिंक गुजरात के टीम है, ये लोग स्लॉट चेंज किए हैं, लौड़े लगाते हैं तुम लोगों का बिल्कुल ज़्यादा। टीम नंबर 10 के लौंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 10 के जो लौंडे हैं क्रेजी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्रेजी किसको डाउन किए जिस साइड देख रहे हैं उस साइड है ही नहीं कोई, सामने दूसरे साइड है। टीम नंबर 10 के लौंडे अलग अलग ये भी एंगल पकड़ लिए हैं, टीम नंबर 25 का लौंडा नॉक डाउन, फिर से नॉक डाउन, अरे भाई क्रेजी तो फिनिश हो जाएगा, अरे बाबा किंग जब आएगा ना उसका पेटी बन चुका होगा, कुछ होने वाला है नहीं, क्रेजी क्या ही करते हो यार। यहाँ पे डीएक्स अल्ट्रॉन को फिनिश होते हुए दिखाई दिए हैं, इनके पास हाँ
टीम नंबर 14 की जो स्क्वाड है इनके सामने टीम नंबर 4 है, फोनिक्स की टीम है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फोनिक्स के जो टीम है टीम नंबर 4 पे गुजरात की टीम है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फोनिक्स। तो इनके बगल में TX चिप वन है, टीम नंबर जो है 14 के जो लॉन्डे हैं दूसरे एंगल से आ रहे हैं, मिल जाएगा उनके इनको थोड़ा सा और राइट साइड गए तो इनको मिल सकता है। मार रहे हैं, अरे लॉन्डे मार, क्या कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा भाई। और आयरन फाइट चलाना भाई, क्या कर रहा है भाई, एक केम कौन स्मोक डाल दे या फिर कुछ और। अरे 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 गया गया लौंडा गया। क्या ही करता है भाई, क्या ही करता है यहाँ पे लौंडा, क्या ही बताएं भाई। अबे AKM आयरन साइड चलाओ लौंडे, आयरन साइड चलाओ AKM को। AKM में कौन लगाता है ये वो, ये क्या बोलते हैं रेड डॉट। AKM बैरल इस आयरन से चलाओगे ना पहले मज़ा नहीं आएगा, ठीक है पहले मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आदत डाल लोगे ना वही बेस्ट लगेगा आपको। यहाँ पे दिखाई दे रहा है टीम नंबर 11 के लॉन्च एजेंट के टीम नंबर वन के लौंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बगल में। बट चंदू वेनम चंदू क्या यहाँ पे वाह बेटे वाह, चंदू का यहाँ पे फिनिश करते हुए दिखाई देंगे जरूर। बट यहाँ पे चोन तो इनको फिनिश करके जाएगा, बट यहाँ पे टीम नंबर 11 के जो लौंडे हैं यहाँ पे रिवाइव हो रहे हैं, दो लौंडे यहाँ पे नॉकडाउन है। टीम नंबर 1 के जो एक लौंडा है वो यहाँ पे दूसरे साइड पत्थर के पीछे रिवाइव हो रहे हैं। टीम नंबर 1 के लौंडे वहाँ बेटे वाह, रॉक के टीम, छत्तीसगढ़ के टीम यहाँ पे, रॉक के जो टीम है छत्तीसगढ़ के जो टीम है ओडिशा के टीम के साथ यहाँ पे फाइट लिए हैं। यूवी इनके बगल में है, यस को पेल रे रॉक, यस को पेल दे भाई, क्या सिचुएशन है। तो माफिया यहाँ पे पीछे से आते हुए दिखाई दे रहा है, मिल्की को दिखाई दे रहे हैं फिनिश होते हुए। अरे ये लौंडा भाग गया रे, मां कसम टीम नंबर 1 के जो लौंडे हैं वो एक लौंडा वो डाउन हो चुके हैं। बट यस के साइड आते हुए दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर 1 के लौंडे को, बट सिचुएशन बहुत हार्ड है, मां कसम बोल रहा हूँ बहुत हार्ड है। क्यूबी को दिखाई दे रहे हैं सामने, माफिया को दिखाई दे रहे हैं, एक बार जोन के साइड नज़र डालिए तो देखेंगे यहाँ पे जोन के साइड रोटेट कर जाना है सारे के सारे टीम्स को। बट ये लोग बहुत लेट हैं, तो फिलहाल पर लेट हो मतलब लेट, माफिया नीचे से आ रहे हैं, यू भी जोन के साइड दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जोन आ चुके हैं। बट पीछे से तो नहीं पड़ जाएगा टीम नंबर 1 के लौंडे को, इन लोगों को पता ही नहीं है बंदे ऑलरेडी जोन में रोटेट करके चले गए हैं। मां कसम कहाँ देख के खेल रहे हो तुम लोग, कब का चला गया वो लोग, भाग गए बे, मां कसम भाई। तो ओपन से जाते जाते हीलिंग करते होगा, तू जानता है कि पीछे बंदा है माफिया, तू जानता है कि पीछे बंदा है हमारे, हम वहाँ से निकल के आए हैं, फिर भी ओपन में लगाते हुए हीलिंग को लगाते हुए जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाते है तुम लोगों का, क्या ही बताएं भाई। टीम नंबर 1 के लौंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सर्वाइव करते हुए, पर टीम नंबर 11 के स्क्वाड के जो लौंडे इनके पास कुछ हीलिंग वगैरह है नहीं यू भी। पर टीम नंबर 11 के और एक लौंडा यहाँ पे मौजूद हैं दिखाई दे रहे हैं, वो जोन के भागता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि अपने टीममेट को रिवाइव
बगैर रिवाइव करते हुए, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव करने पड़ जाएंगे तो हम पोजीशन पॉइंट ही नहीं पकड़ पाएंगे, हम दोनों ही मरेंगे। सही सही है, सही डिसीजन। आगे जाते हुए दिखाई दे, अपने टीममेट को छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं, क्योंकि एक बार जोन की साइड देखिए, अगर वो रिवाइव करने बैठ जाएगा तो क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा। हार्ड शिफ्ट ले चुका है ऑलरेडी जोन। ठीक है, अब लोग अब तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 25 का लॉन्डे को दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 13 को दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 16 को दिखाई दे रहे हैं। एक्स मैक्स के टीम, अच्छा एक्स मैक्स के टीम मर गया ना, मैंने नहीं देखा था। मैंने ये सो टीम नंबर 25 एक्चुअली एक्स मैक्स के टीम के स्क्वाड के स्लॉट है ना, ये लोग बैठ गए हैं ऑलरेडी टीम नंबर 25 के स्लॉट में बिना बताए। लास्ट टाइम मैंने देखा और निकाला नहीं, पहले वार्निंग दूंगा। अब लोगों का भी बता देता हूँ, बिना बताए स्लॉट नहीं चेंज करना, क्यों तो कहीं भी कभी भी ठीक हो सकते हैं। टीम नंबर 13 के स्क्वाड के लॉन्डे को दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 13 के जो स्क्वाड है, स्क्वाड एक्सपी के लॉन्डे हैं, 3 किल करके बैठे हुए हैं। तो फिलहाल अभी आगे जाके किल बड़ा बड़ा पाएंगे या फिर नहीं, देखते हैं। टीम नंबर 13 के जो स्क्वाड हैं दूसरे, और रॉग यस देखिए वो जोन में, जोन के बाहर फाइट ले रहे थे बिना जोन को प्रायोरिटी देते हुए, तो जोन में चले जा रहे हैं मांग कसम। टीम नंबर 14 के स्कॉट के लॉन्डे के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टीम नंबर 8 के स्कॉट के लॉन्डे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो जोन में मर जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता भाई। या फिर टीम नंबर ओके देखो टीम नंबर 13 के स्कॉट के हाथ में दे बैठे, टीम नंबर 13 की जो स्क्वाड है ना वहाँ पे, यहाँ पे ऐसा हुआ कि अपने गार्ड ले जाके इन लोगों के हाथ में दे दिए हैं, तो सिचुएशन ऐसे ही हुआ ना। तो फिलहाल टीम नंबर 7 को लौंडे को देखिए देख पा रहे हैं सरवाइव करते हुए, चारों के चारों लौंडे सरवाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 25 के एक लौंडा सरवाइव कर रहे हैं सामने देख पा रहे हैं, टीम नंबर 13 के स्क्वाड के लौंडे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सरवाइव करते हुए, टीम नंबर 7 के स्क्वाड के जो लौंडे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सरवाइव करते हुए, टीम नंबर 13 और टीम नंबर 7 के बीच में यहाँ पे फाइट रहेगा। तो फिलहाल देखते हैं, और टीम नंबर जो है यहाँ पे 7 के स्क्वाड के लॉन्डे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो फिलहाल देखते हैं लास्ट तक क्या हो सकता, क्या होता है। बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत हार्ड, क्या ही सिचुएशन है भाई। बहुत 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 ख़राब सिचुएशन, मैं कसम बोल रहा हूँ, बहुत ख़राब सिचुएशन है। सही टाइम पे देखिए अपने टीम नंबर 13 के स्क्वाड के लौंडे भी नॉक और रिवाइव दे दिए हैं, टीम नंबर 7 के लौंडे भी रिवाइव दे दिए थे, बट फिर से ग्रेनेड आया था तो टीम नंबर 13 के स्क्वाड के लौंडे यहाँ पे अरे चिकन डिनर हाथ से चला जाएगा भाई, अकेला एक लौंडा टीम नंबर 13 का मास्टर। गब्बर ओपी, इनके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, एक इनका टीममेट तो मर जाएगा गब्बर, बट एक लौंडा को डाउन। दूसरे साइड से यहाँ पे दिख जाएगा भाई, इस वे क्या सिचुएशन था भाई। एफ सी के टीम यहाँ पे आज
विनर विनर चिकन डिनर केरल के टीम लेके जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं 12 किल के साथ। अल्लाह बेस्ट गाइस टीम, ये गॉड एक्स सीएसपी और भी अच्छे से खेल रहे हैं गाइस, कीप इट अप।